मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बढ़िया फैसला था, एक बहुत ज़रूरी कदम था। लोग बात करते हैं, मैं अक्सर मैं भी यूएस यूरोप की इकोनॉमीज पे कमेंट करता हूँ कि ग्लोबली कहा जा रहा है कि ये अच्छा फैसला था कि नहीं। ये मेरे हिसाब से इंडिया स्पेसिफिक सोल्यूशन था, इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए दिस वॉज अ गुड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू माई ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in। और इसका आज हमें फायदा दिखना शुरू हो गया है, डेटा में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जो आप सवाल पूछ रहे थे कहीं, वो ये है कि इसकी वजह से ब्लैक मनी का कारोबार करने वाले लोगों के अंदर एक डर, एक सहम का माहौल आ गया, जिसकी वजह से इनकम टैक्स की रिटर्न्स बढ़ी है, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है। साथ ही साथ ग्लोबली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 30 जो है कैटेगरीज हमें ऊपर ला खड़ा किया। उसमें भी एक रीजन है कि हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुई, ब्लैक मनी के अगेंस्ट हमने काम किया। ये तो रहा अच्छा एस्पेक्ट, लेकिन साथ ही साथ दूसरा एंगल हम नहीं इग्नोर कर सकते। सरकार ने जहां ये बोल्ड स्टेप लिया, वहीं सरकार से इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई। लास्ट ईयर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, मैं सुबह से शाम तक बैक टू बैक टीवी शोज कर रहा होता था जी। हो क्या रहा था, लोगों ने जो नई करेंसी थी उसकी प्रिंटिंग और सर्कुलेशन सरकार समय पे नहीं कर पाई, उसको नोटबंदी की कमी समझ लिया। आप सिचुएशन मैनेज कीजिए, अगर नई करेंसी सरकार के पास अवेलेबल होती जी, सर्कुलेशन उसकी होती रहती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप पैसा जमा कराइए, दूसरा पैसा विड्रॉ कर लीजिए। तो वो नोटबंदी की कमी नहीं थी, वो सरकार की इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू था। उसकी वजह से 6-6 घंटे लोगों को लाइन में लगना पड़ा, बिजनेसेस पे इंपैक्ट हुआ। बिकॉज ऑल सेड एंड डन, इंडियन इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय कैश। यहाँ हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर या सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे दुकानदार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं ये कहूंगा साफ, अगर हम जीडीपी की बात करें, आकाश जिंदल जैसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या 20 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट। रेलिवेंट कौन है, हमारा छोटा दुकानदार, हमारा रेडी लगाने वाला, हमारा खोमचा लगाने वाला, उनको इम्पैक्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है, 5.7% हमारी जीडीपी ग्रोथ आ गई है। दूसरा क्या हुआ, वी वर स्टक बाय अ डबल इंजेक्शन। नोटबंदी के बाद बहुत जल्दी जीएसटी, दो बड़े पावरफुल इंजेक्शन लग गए, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इंपैक्ट हुआ। बट साथ ही साथ ये बता दूं, ये दोनों बोल्ड स्टेप थे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के हिसाब से नरेंद्र मोदी साहब आज तक के सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बोल्ड स्टेप लिए और इकोनॉमी को जो है एक ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश की और लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। लेकिन इंप्लीमेंटेशन, आकाश जी आपने दोनों पहलू बता दिए।